लेफ्ट हैंडर की आपने बात की, उसमें सऊद शकील फिट इन नहीं हो सकते थे, सऊद शकील या इमाद वसीम मिडल ऑर्डर में? देखिए, इमाद वसीम को तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इमाद वसीम दो ढाई साल से सिवाय 5 पाकिस्तान कप के वनडे मैचेस के, वो वनडे मैचेस खेले ही नहीं है। सो वनडे मैचेस खेलने के लिए आपको 50 ओवर फील्डिंग भी करनी पड़ती है, आपको 10 ओवर की बॉलिंग का स्पेल भी करना पड़ता है और 50 ओवर आपकी बैटिंग भी है। सो आई फील कि उनको थोड़ा सा मैं देखना होगा कि अभी वो उनका बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है जब हम लॉन्गर वर्जन में जाएंगे, जब वो कैंप्स की सिचुएशन में आएंगे, जब वो खेलेंगे, देखते हैं हम, क्योंकि ये सारे हमारे लूप में हैं। हमने 30 के करीब लड़कों का पूल बनाया हुआ है, उसी के अगर इंशाल्लाह हम रोटेट करते रहेंगे। और के हवाले से क्या कहें, वो तो वनडे का स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अभी, अभी तो जरूरत नजर नहीं आ रही सऊद शकील की इस वक्त फिलहाल। हम देखेंगे कि उसको, क्योंकि उनको हमने काउंटी के लिए भेज दिया है ताकि वहाँ वो खेलते रहें। सो हम हर एक को मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास जो इस वक्त जो लॉट है, ये बेस्ट अवेलेबल लॉट है फॉर द वनडेज, जो पीछे खेलते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान पिछले 11 वनडे मैचेस में तकरीबन 7 के करीब मैचेस जीत चुका है।